तो स्वागत है आप सभी का बस क्लिक की एक और नई वीडियो में। आज की अपनी जर्नी रहने वाली है मनाली से दिल्ली। अपन जाएंगे आरएस यादव ट्रेवल्स में, जो कि इस रूट पे बहुत ज्यादा नॉन ऑपरेटर है। आपको बताता हूँ कैसा कंफर्ट है, कैसा क्या है। और मैंने आपको इस रूट पहले भी एक जर्नी दिखाई थी जो दिल्ली से मनाली थी, तो आप एक और जर्नी दिखा रहा हूँ मैं रिटर्न जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा फेयर जो इस बस से कम है उस बस से, तो करते स्टार्ट जर्नी को। सबसे पहले बस दिखा रहे थे आपको, बस जो है वॉलो B11 आ रहे हैं। पीछे आर एस यादव ट्रेवल्स की बैजिंग हुई है और हरिशन ट्रेवल्स की बैजिंग भी हुई है। और ये देखिए साइड में भी वेबसाइट वगैरह लिखी हुई, वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बस के तो बोर्डिंग पॉइंट रहते हैं दो, एक तो रहता है प्राइवेट बस पार्किंग जो मनाली के मतलब जो ऊपर है, और एक नीचे रहता है यहाँ पे हरिशन पेट्रोल पंप के यहाँ पे। और बाकी टाइमिंग जो बस का रहता है वो रहता है कुछ 6 बजे का शाम को, 6 बजे भी नहीं 5:50 का। तो आप लोग टाइमिंग से आए क्योंकि भाई बस को लेट नहीं होना चाहिए। मैं जैसे अभी आने में लेट हो गया था, तो फिर मैं अभी 5 मिनट है मेरे पास। और बाकी आपको इंटीरियर में थोड़ा रेस्टॉप पे दिखाता हूँ, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा मतलब ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बस अभी, क्योंकि मैं थोड़ा आने में लेट हो गया, जैसे मैंने बताया। बाकी आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ बस का, कैसा डैशबोर्ड है। ये देखिए वॉल्वो का डैशबोर्ड ऐसे जो रहता है। ये अपने सनी भाई है, इनसे मैं बात करेंगे मैं चलते चलते। और ये देख लेते दिखाई देते थोड़ा इंटीरियर। ये देखिए अपने को यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिलती है, बॉटल होल्डर वगैरह मिलता है, और ब्लैंकेट वगैरह मिले हुए हैं, और सेमी स्लीपर सीट से सब कुछ अच्छा खासा। करते जर्नी को स्टार्ट, चलिए। बस में डीजल वगैरह जो भी है वो यहीं से भर के चलते हैं ये लोग मनाली से। और दिखाता हूँ कैसा क्या रहता है। अभी देखिए यहाँ पे अंधेरा हो गया, वरना मैं आपको दिखाता हूँ। बर्फ़ वगैरह बहुत अच्छी हुई हुई थी यहाँ पे, स्नोफॉल तो नहीं हुई पर मतलब ऊपर पहाड़ों पे हुई हुई थी, वो मैं दिखाता आपको। यहाँ से नहीं दिखता, थोड़ा सा पीछे दिखता, अगर मैं देखूँगा मैं उसका वीडियो वगैरह पड़ी होगी तो मैं इसमें डाल दूँगा शॉर्ट्स में, तो देखते रहिए आप लोग। तो अभी जो हम मनाली से निकल चुके हैं और बोर्डिंग पॉइंट्स वगैरह मैंने आपको बता दिया, और बस दिखा दो कैबिनेट जैसे पॉसिबल होता है। रात में ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, पर देखते रहिए आप लोग। अपने बस आ गई अभी वाटर बॉटल 500 ml और जो नॉर्मल चिल्ड है, तो बस दिखाता हूँ कैसा क्या रहता काटना नहीं तुम्हें, है ना, काटना नहीं।
अभी हो रहे हैं रात के 9:15 और हम आ चुके हैं राजू ढाबा पे। राजू ढाबा नाम है। और अच्छी जल्दी जर्नी हो गया था भाई अपने सनी भाई जो है ड्राइविंग का, तो बहुत सही एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक रास्ता उनको रटा हुआ है पूरा कि भाई किस मोड पे कैसा क्या रहेगा, बिल्कुल रटा हुआ है उनको। ये देखिए एक और एक बस आ गई, गोवा आईपीआर। सबके सब मतलब अभी देखो ना, हर एक ऑपरेटर ने अपनी गाड़ियाँ मनाली रूट पर लगा रखी, क्योंकि अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है। जी भर के मतलब अभी सोचो कि पैसा छाप सकते हैं इस रूट पर, तो सब ने गाड़ियाँ लगा रखी अपनी, हर कोई। मतलब जो ये जो है रेगुलरली चलते हैं, सबने आर एस यादव जो है ये तो रेगुलरली 12 महीने इनकी गाड़ी चलती है। अब ये आ गए, आज आ गए कल नहीं है, ऐसे वाले ये ऑपरेटर है ना। अब यही है, बाकी आपको दिखाता हूँ कैसा है, खाना वगैरह खाता हूँ मैं यहाँ पे। और बाकी आपको ये बता दूँ मैं अपनी जो सनी भाई, उनको तो भाई बहुत ज़्यादा सही एक्सपीरियंस है। मतलब उनकी ड्राइविंग में आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा उनका, उनके लिए उनकी वीडियो दिखाऊंगा। मैं रात को नहीं दिखा रहा ज़्यादा, क्योंकि रात को थोड़ा सा एक लाइट भी कम रहती है और थोड़ा सा मज़ा भी नहीं आता। बाकी उनकी तो भाई चलाने की स्टाइल ही अलग है। और बाकी यही है, क्या खाता पीता हूँ बताता हूँ मैं आपको। और एक चीज़ मेरी तो आपसे मतलब एक सजेशन चाहिए था मुझे आपसे कि आपको मतलब जैसे मनाली दिल्ली, जैसे अपना कंसेप्ट जो चैनल का ये है कि अपन एक ही रूट मल्टीपल जर्नीस करते ताकि सारी ऑपरेटर्स के बारे में पता चले अपने को, तो वो चीज़ मुझे बताइएगा कि कोई भी मतलब जो इस रूट पे, जैसे मैंने अभी लक्ष्मी हॉलीडेज और आर एस यादव कवर कर लिया आज, और कौन से ऑपरेटर थे जिसमें मतलब मुझे ट्रैवल करना चाहिए, बेस्ट बताइएगा। मतलब जैसे भाई वर्स्ट कैसे जर्नी भाई मैं एक दो कर चुका हूँ, मतलब जो अपने उदयपुर जयपुर रूट इन सब पे, तो उसमें तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा, बेस्ट पहले बताइएगा ताकि भाई सबको काम भी आए। और बाकी रेस्टोरेंट देख लीजिए, यहाँ पे डाइनिंग का एरिया बना हुआ है, वहाँ पे यहाँ ये सब डाइनिंग का एरिया और वॉशरूम वगैरह बना हुआ है। तो बस मैं दिखाता हूँ क्या खाता पीता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है अभी शाही पनीर और रोटी, टेस्ट वगैरह करता हूँ फिर बताता हूँ कैसा है। तो भाई खा लिया खाना वगैरह, मैंने खाया था शाही पनीर और रोटी, अच्छा था खाना वगैरह, और ज़्यादा ऐसा अभी हैवी भी नहीं था और रेट्स भी सही है, तो इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस आपको थोड़ी अंदर से दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़े पैसेंजर कम होंगे अभी, तो दिखाना आसान होगा। पहले का मैं थोड़ा आने वाले डैशबोर्ड दिख लीजिए, वो लोगों का डैशबोर्ड है, हैंडल वगैरह हो गया, यहाँ पे जो कंट्रोल्स वगैरह हैं वो है, और यहाँ पे बस ये अब ये जो है दिखा देता हूँ, सीट्स वगैरह सब सही से दिखा देता हूँ। ब्लैंकेट मिले हुए, वाटर बॉटल मिली हुई है, और जो जिसके जो पैसेंजर उसने पिए नहीं, और ये सेमी स्लीपर सीट्स हैं जिसको आप ऐसे ऐसे ऊपर कर सकते हैं मतलब, और वो आप अच्छे से थोड़ा सो सकते हैं। और बाकी ये देख लीजिए पीछे से, बस आपको दिखा देता हूँ एक बार पीछे से, वैसे थोड़े पैसेंजर है पर उनको डिस्टर्ब करेंगे, पीछे दिखा दिया मैंने आपको। और बस और बताता हूँ थोड़ा बहुत चीज़ें। और भाई जैसे ये देखिए, ये गाड़ी जो है ये टूरिस्ट लिखा हुआ है इन पर, और ये गाड़ी जो देखिए UP 81 नंबर गाड़ी है, और वहाँ पे भी है गाड़ी यूपी की है वो भी। ये जो गाड़ियाँ है ना ये परमानेंट नहीं है इस रूट पे, तो इनमें अब हो सके तो आप अवॉइड करें आना, क्योंकि इसका रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ आपको। रीज़न देखिए ये है ना कि मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है मेरे को भाई ऐसा नहीं है, मेरे को किसी भाई हो सकता है अच्छी गाड़ियाँ भी अंदर से कंफर्टेबल भी हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो के सकता है ना। जैसे आज मैं सुबह सुबह आ रहा था लक्ष्मी हॉलीडेज से, तो वहाँ पे मैंने बहुत सी गाड़ियाँ देखी जो बीच में ब्रेकडाउन हो गई थी, और ये तो चीज़ ही नेचुरल है भाई, उनकी गाड़ियाँ भाई हिली एरिया में ब्रेकडाउन होता है उनका। पर ब्रेकडाउन होने की बात क्या रहता है ना, अब जिस समझ ली ये गाड़ियाँ जो हैं इनका किसी से भी मतलब वो क्या कहते हैं एक रिलेशन अच्छे बॉन्डिंग वगैरह नहीं, जैसे अभी अपने आर एस यादव ट्रेवल्स है इनके, मतलब जैसे अपने सनी भाई है इन सबके मतलब अच्छे व्यवहार है, नेशनल ट्रेवल्स वगैरह इन सबसे मतलब अच्छे अच्छे व्यवहार है। तो मतलब समझ लीजिए कोई भी मतलब ब्रेकडाउन वगैरह कुछ भी होता है तो अपने को एक ऑप्शन मिलता है कि दूसरी गाड़ी जल्दी ट्रांसफर कर देंगे, अपना हॉलीडे खराब नहीं होगा। मैं दिल्ली से मनाली आ रहा हूँ अगर, और अगर समझ लीजिए मेरे को 12 बजे पहुँचना है ना, क्योंकि मुझे चेकिंग करना है मुझे प्लेन से आगे, तो मेरा हॉलीडे ख़राब नहीं होगा क्योंकि भाई ब्रेकडाउन हुआ, अगली थोड़ी सी देर में अगली बस आ गई, तो अगली बस में बैठ गया मैं आराम से। सेम सुबह सुबह यही हुआ था, जैसे एक जो थी मतलब कोई ऐसे एक जो थे सर थे मतलब वो कोई टीचर वगैरह थे, तो उन्होंने मतलब बहुत रिक्वेस्ट करके हमारी गाड़ी में जो थे सुबह सुबह हमारे थे सुमित भाई वगैरह हम सबके सब, तो हमारी गाड़ी में खाली एक ही सीट खाली थी, तो इस वजह से हमने उनको बिठा लिया, हमने मतलब कि ड्राइवर ने उनको बिठा लिया, तो वो मतलब वो बता रहे थे कि मैं अच्छा बैठा लिया आप लोगों ने, वरना वो 2.5 घंटे से कोई आ ही नहीं था भाई, मैं वही वो मतलब थोड़े से परेशान थे, तो वो सही है उनको भाई वो टाइम ऑन टाइम पहुंच गए, वरना उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो यही है बस, आप ट्राई कर लीजिए थोड़ा अवॉइड कर, ऑनलाइन आप देखें करें ऑनलाइन थोड़े अच्छी जो अच्छी रेटिंग्स वाले जो हैं ऑपरेटर्स जैसे भाई उनमें जाएँ, और अच्छी रेटिंग्स भी क्या जो नॉन ऑपरेटर उनमें जाए मैं तो कह रहा हूँ, तो ये अच्छा रहेगा।
तो अभी हो रहे हैं बिल्कुल फिक्स सुबह के 7:30 और हम आ चुके हैं कश्मीरी गेट पे। वैसे तो बस मजनू अटेला भी जाती है, पर मजनू अटेला पे कोई और उतरा ही नहीं, तो मतलब वहाँ बस रुके क्यों। कश्मीरी गेट पे हैं अभी, दोनों बोर्डिंग पॉइंट है। कश्मीर मजनू अटेला भी उतरते हैं और आप करनाल बाईपास भी उतरते हैं। जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी रही मेरी और जर्नी मेरे को पता अच्छी रहने भी वाली, क्योंकि अपने साथ जो ड्राइवर थे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। थोड़ी सी बातें आपको उनके बारे में बताऊँगा अभी कि मतलब कैसे क्या है, क्योंकि देखो कल रात को एक इंसिडेंट हुआ जो मुझे शेयर करने बोला मन है आपसे। जैसे हुआ क्या है ना, जैसे कल रात को एक HRTC का ड्राइवर था, तो अब जैसे वहाँ पे जो मनाली का जो हाईवे मतलब वो सिंगल रोड एक टाइप से, तो इस वजह से क्या हुआ ना, वो ड्राइवर जो है मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि वो जोर से हॉर्न बजाने लग गया और उसने गाड़ी अंदर उस साइड नहीं निकाली, और फिर वो मतलब थोड़ा ठीक है वो तो था ही जो था, फिर वो इधर आके चिल्लाने लग गया और फिर मतलब ऐसे करने लग गया कि तुम भाई कैसे गाड़ी चला रहे हो ये सब, और बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लग गया। जिसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई अपने जो ड्राइवर है सनी भाई, इन्होंने बिल्कुल भी ऐसे कोई गलत चीज़ नहीं बोली, बिल्कुल भी नहीं बोली। अब वो बोलेंगे उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करी भाई आपने, तो रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए नहीं करी भाई क्योंकि मतलब आप लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसमें क्या है ना रिकॉर्डिंग करने अगर मैं जाऊँगा तो मेरा फ़ोन लेके भाई वो मेरा फ़ोन ही तोड़ देगा, क्योंकि वो गुस्से में अलग ही वो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया। HRTC के जो ड्राइवर्स हैं मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ बिल्कुल, हर एक ड्राइवर के लिए मैं ऐसा नहीं कहता, पर कोई कोई ड्राइवर लगते हैं अब वो कल बात भी ऐसे बिना सर पैर के कर रहे थे। अब जैसे सनी भाई ने बोला कि भाई मैं गाड़ी चढ़ा रहा हूँ, चढ़ाते वक्त थोड़ी सी दिक्कत रहती है, चढ़ाते वक्त थोड़ा सा मेरे को स्पीड में चलना पड़ता है, नहीं तो आप थोड़े उतार रहे थे इसलिए आपको थोड़ा अंदर काटना पड़ता, मैंने बाहर काटा। पर वो बोले कि अरे हमको मत सिखा, हमने भी HRTC की मल्टी से चलाई, हमको क्या सिखा रहा है।
अब HRTC की मल्टी एक्सल कहाँ पर है पहले वो बताए मुझे वो, क्योंकि HRTC में कोई मल्टी एक्सल है नहीं मेरे हिसाब से, चाहे स्कैनिया हो चाहे वॉल्वो, HRTC में जैसे हिमसुदा है ये वैसी गाड़ी है। जो भी है HRTC की जो हायरिंग प्रोसेस है मुझे नहीं पता कैसी है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं वो वॉल्वो के ड्राइवर है, क्योंकि भाई वैसे अच्छे ड्राइवर्स हैं HRTC में, बहुत अच्छे अच्छे ड्राइवर्स हैं। मैं तो भाई पहले कश्मीरी गेट पर वीडियो बनाता था, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ड्राइवर्स हैं, पर वो पता नहीं कैसे ड्राइवर थे, और दोनों ड्राइवर कंडक्टर दोनों अच्छे थे, और मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार बात ये लगी ना कि वो मतलब मारा पीटी भी आ सकते थे, वो तो भाई अपने सनी भाई नीचे नहीं उतरे, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगी मुझे। और मैं भाई इसके लिए तो HRTC के लिए मेरे को सच में भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि भाई ड्राइवर ऐसे वैसे नहीं, सनी भाई के बारे में आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा अच्छे ड्राइवर है। आपको बता दूँ अभी थोड़े दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक ड्राइवर मतलब कंडक्टर भाई की डेथ हो गई थी, सनी भाई ने जो है एक फंड रेज किया 25,000 रुपये से 30,000 रुपये का, सबको सबने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसमें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे ड्राइवर है और बेस्ट ड्राइवर है, ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे ड्राइवर है। और मैं इस बस पे वीडियो बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आज पता था सनी भाई आज है, मैंने मतलब पूरा पूछ पूछा के कराया, क्योंकि मेरे को इनसे मिलना भी था भाई से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम सुना है मैंने इनका, ऐसे ड्राइवर नहीं है और बहुत ज़्यादा ये केयर करते हैं अपने ड्राइवर्स के, जो अपने जो साथ में को ड्राइवर सबकी केयर करते हैं, और बेस्ट ड्राइवर है। मतलब मैं इनको पूरी वीडियो इनको डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि भाई इनके लिए मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनसे मिलना भी था एक तो, और साथ में भाई इनसे जानना था कि कैसे कैसे नेचर सच में है क्या कभी भाई, जैसा मुझे जैसा मैं सुना है वैसे हैं भी क्या, तो बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं। और भाई इनके लिए तो मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा, अब देखो मैं आज मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि लाइक करो वीडियो को ये सब, तो चलो ठीक है रहने दो ये सब, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लाइक मत करो चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि भाई क्या मैंने जो बात बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो लगी बात जो है, आप लोग भी कभी आए सदर ट्रेवल्स में तो देख सकते हैं भाई की बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छे भाई है। और भाई आप ये बात मानेंगे नहीं, रात को जो है एक पैसेंजर को दिक्कत हो रही थी, उनको मतलब वॉमिटिंग वगैरह लग रहे थे, तो गाड़ी जो है अपनी 7 बार रुकी है, 7 बार सोचिए अब पॉसिबल नहीं हो तो कोई भी गाड़ी रुकना, 7 बार गाड़ी रुकी है, तो ये चीज़ तो यार कोई ऐसा ड्राइवर कर सकता है जो सनी भाई जैसा, तो इनके लिए मैं अब वही बात है कि इनके लिए और इनके लिए सभी ड्राइवर्स के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपके मन में ऐसे, क्योंकि भाई समझदारी रखिए आप भी, ऐसा ना समझेगा, और क्योंकि और कल मुझे एक और दिक्कत ये भी लगी ना कि जितने भी जो बाकी के जो ऑपरेटर्स मतलब पीछे एक दो गाड़ी और खड़ी थी प्राइवेट ऑपरेटर्स की, जैसे हिमालयन नोमेंट के KTC की और शुभयात्री हॉलीडेज़ की, कोई भी ड्राइवर उतर के नहीं आया इनकी मतलब हेल्प करने के लिए, कोई सुलझाने के लिए, मतलब वो अपने ही मज़े ले रहे थे, और ऐसे मज़े मतलब कि अपने मतलब उसमें से मज़े में, और HRTC के साइड ड्राइवर के एक ही बंदे पे मतलब झूम रहे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे बेकार लगी। बाकी यही है, आपके मुझे व्यूज़ बताना कमेंट सेक्शन में, लाइक वगैरह करना नहीं करना मैं आज आपको नहीं बोलूँगा, लाइक करना सब्सक्राइब करना कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं करना मत करना, पर आप जो ड्राइवर्स वगैरह उनके लिए रिस्पेक्ट रखें प्लीज़, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और प्लीज़ रिस्पेक्ट रखें आप लोग ड्राइवर्स के लिए, बस यही है। बाकी देख लीजिए आप लक्ष्मी रेटिंग्स वगैरह की भी गाड़ियाँ जा रही है, और जो रेटिंग्स वगैरह है वो तो मैं लिख दूँगा स्क्रीन पर, अभी मैं थंबनेल वगैरह लेता हूँ और फिर बस जाने देते हैं बस को, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।